ओके जी, पेन नंबर 906 पे आइएगा। सबसे पहले सुबह के लिए माजरत मेरे भाई। 906। अच्छा, बुध तक 3 दिन है आज के अलावा, मतलब आज मिला के इसी टाइम ना एक एक क्लास एक्स्ट्रा हुआ करेगी, ठीक है? बस हाँ, ट्यूसडे और वेनसडे 3 दिन, यानी अब आपके अगर आगे 2 दिन रहना तो 4 क्लासें हो जाएंगी आपकी, ठीक है? चलिए जी, सफ़ा नंबर 906 पे हैं और ये वाली क्लास रिकॉर्ड होकर यूट्यूब पे आया करेगी, तो इसलिए अगर किसी को प्रॉब्लम हुई तो ईजिली कर सकता है वो। 906 सफ़ा नंबर पे क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे भाई, आइए ये देखते हैं। द ट्रेजरर ऑफ द कराची सोशल क्लब प्रिपेयर द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 1993। सफ़ा नंबर 906 क्वेश्चन नंबर 3, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट का मतलब होता है पैसों का आना और पेमेंट का मतलब होता है पैसों का जाना। तो इट मींस कि ये जो आपके सामने इसने लेजर दिया हुआ है, ये लेजर असल में कैश इन और कैश आउट का है, ओके? तो शायद ये कैश बुक है आपकी, ओके? तो इसने कैश बुक आपको दी है ये, और एंड पे अगर आप गौर करेंगे तो उसने आपको कैश इन हैंड का बैलेंस दिया है 30 रुपये, डिपॉजिट अकाउंट बैंक का बैलेंस होता है जो सेविंग अकाउंट होता है, और करंट अकाउंट भी बैंक का बैलेंस होता है। तो इसका मतलब है कि ये सारी चीज़ें कैश और बैंक मिलाकर हैं, जो भी कैश में आया जो भी बैंक में आया सारा कुछ इसके अंदर मौजूद है, और जो भी कैश से गया और बैंक से गया सारा कुछ इसके अंदर मौजूद है। उसके बाद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ मेड अवेलेबल टू यू, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेज, आपके पास बॉटल स्टॉक्स हैं, आपके पास सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स हैं, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस है, क्रेडिटर फॉर बॉटल परचेजेज है, रेंट एंड रेट्स अक्रूड हैं, और सिक्योरिटी डिपॉजिट टेकन फ्रॉम बॉटल सेलमैन है। तो ये सब चीज़ें भाई आपके पास मौजूद है। द बॉटल सेल्स ऑफ ₹480 ऑन द इवनिंग ऑफ 30 सितंबर 1993 हैव बीन रिटेन्ड इन द सेल्समैन ऑफिस एंड आर नॉट इंक्लूडेड इन द अबव रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। वो कहता है कि 30 सितंबर की शाम को ₹480 की बॉटल सेल हुई थी, जो कि बॉटल्स सेल्समैन ऑफिस में ही मौजूद हैं, सेल हो चुकी हैं, और उन 480 की चूंकि पेमेंट नहीं आई इसलिए ये ऊपर रिसीट एंड पेमेंट में शामिल नहीं है। करना क्या है? अ ट्रेडिंग अकाउंट टू शो द प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम द बॉटल। जी, मैंने आपको एक बात बताई थी ये कि अक्सर ऐसा होता है कि ये जितने भी क्लब्स वगैरह होते हैं जो कि नॉन प्रॉफिट के लिए काम कर रहे होते हैं, ये बेसिकली कोई अपनी एक्टिविटी भी चला रहे होते हैं जिससे इनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट आ रहा होता है, ठीक है? तो वो बेसिकली इनकी ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है वो बनाने का कह रहा है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द क्लब फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 93, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट आपसे मांग रहा है और बैलेंस शीट आपसे मांग रहा है। ले जी, सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं, मैंने आपको कल कुछ असूल लिखवाए थे, उसमें मैंने आपको पहला असूल ये लिखवाया था कि सवालों के अंदर जिन जिन आइटम्स के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेज आपको दिए होंगे, आपने क्या करना है जी, आपने उनका लेजर बनाना है। बिल्कुल, आपने उनका लेजर बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी, अगर एनपीओ के सवाल में रिसीट पेमेंट इस तरह गिवन हो कि ओपनिंग डेबिट क्रेडिट हो तो फिर लेजर पर नहीं बनाना। खैर, इस चीज़ को भी छोड़ दें, ये तो अभी आपके एक वो जब एक्सपीरियंस होगा तब की बात है, फिलहाल बस इसी पहले भी ध्यान दें कि हमने बनाना है, ओके? चलिए जी, हम इस सवाल को शुरू करते हैं और सवाल का आगाज़ फॉर्मेट से करते हैं। फॉर्मेट अब आपको पता है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, और उसके बाद लेजर्स गालिबन इसके अंदर अगर देखा जाए तो बॉटल स्टॉक, सब्सक्रिप्शन, क्रेडिटर्स, रेंट और सिक्योरिटी डिपॉजिट, 5 चीज़ें इसके अंदर नज़र आ रही हैं जो कि हमें क्या करनी पड़ेंगी, जिसके लेजर हमें बनाने पड़ेंगे। ऐसे ही है, क्योंकि 5 चीज़ों का ही ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है। तो ठीक है जी, हम सवाल का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट बनाते हैं, एक सवाल करेंगे तो ज़रा आपका हौसला बुलंद हो जाएगा। पास पेपर नंबर 3 है, क्या नाम है भाई क्लब का? कराची के लोग सोशल क्लब। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सर, साल कौन सा है? 1993। कुछ इनकम्स आ जाएंगी
और कुछ एक्सपेंसेस आ जाएंगे। उसके बाद चले जी, इसका ए पार्ट है जिसमें इसने हमसे ट्रेडिंग प्रॉफिट मांगा हुआ है, तो वो ए पार्ट में लिख देते हैं। और ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट वही सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स उसी तरीके से बन रहा होता है। ओके ले जी, सवाल में सबसे पहले उसने हमें ओपनिंग और क्लोजिंग दिया है। ओपनिंग जरा देख लीजिए कौन सा है और क्लोजिंग देख लीजिए कौन सा है। ओके सबसे पहले बॉटल स्टॉक्स वर्किंग वन, ये इन्वेंट्री है भाई असल में। कितना है जी ब्रॉट डाउन? 1630। और कैरी डाउन कितना है जी? 1850। अच्छा उसके बाद है जी सब्सक्रिप्शन इन एरियाज एंड सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। सबसे पहले ये बताइए सब्सक्रिप्शन क्या होती है। सब्सक्रिप्शन बेसिकली होती है कि जैसे आप लोग आई कैप को सब्सक्रिप्शन पे करते हैं ना, जब भी आप किसी क्लब के मेंबर होते हैं ना तो वो आपसे सब्सक्रिप्शन वसूल करते हैं, सब्सक्रिप्शन चार्जेस। ओके ये बस आप ये समझ लें चूंकि आपने हमारे क्लब को सब्सक्राइब किया हुआ है इसलिए आपको मंथली पेमेंट करनी पड़ेगी। नेटफ्लिक्स का पता आप लोगों को, उसके सब्सक्रिप्शन चार्जेस होते हैं। मैं तो दुआ करता हूँ कि फेसबुक पे भी लग जाएँ, व्हाट्सएप पे भी लग जाएँ, ताकि आप तो उसकी जान छोड़े ना। ये मुफ्त में आपको चीज़ें मिली हैं जिसने आपका बड़ा कर किया है, तो इसलिए ये सब्सक्रिप्शन यही होती है कि आपने मंथली, चूंकि इनका प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे होते हैं तो फिर आपको इनको पैसे पे करने पड़ते हैं, ये सब्सक्रिप्शन होती है। अब कुछ लोग जो इस कराची क्लब के मेम्बर होंगे इन्होंने एडवांस में पे कर दी होगी सब्सक्रिप्शन, कुछ ने अभी पे नहीं की होगी, उनसे अभी वसूल करने वाली होगी। तो क्लब के जूतों में आइए कि जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन इन एडवांस आपको दे दी है, क्या ये क्लब के ऊपर लायबिलिटी होगी? तो क्या इसके लिए ओपनिंग लायबिलिटी साइड पे आएगा? अच्छा सब्सक्रिप्शन का लेजर ना एक ही बनेगा, एक्रूवल और प्री पेमेंट से आप बखूबी वाकिफ हैं, तो मेरे ख्याल में अब आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है कि अगर एक ही लेजर में दो ब्रॉड डाउन और दो कैरी डाउन आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो सब्सक्रिप्शन एडवांस में आई है कितनी है ओपनिंग? 250 है। ओ खुदा का वास्ता, एडवांस की बात कर रहा हूँ, एडवांस 250 है मेरे भाई। और क्लोजिंग कितना है जी? जो सब्सक्रिप्शन एरियर में है अभी तक नहीं मिली उसके क्या लाता है? और कैरी डाउन? ठीक है जी, तो सब्सक्रिप्शन का लेजर मेरे भाई एक ही बना करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास क्रेडिटर्स वर्किंग थ्री। जी फरमाइए, ब्रॉड डाउन कितना है और कैरी डाउन? रेंट एंड रेट्स, बताइए जी। 750। और आखिरी कौन सा है जी? सिक्योरिटी डिपॉजिट। जी फरमाइए, सिक्योरिटी डिपॉजिट लायबिलिटी होगा कि क्या होगा? ये लायबिलिटी है कि एसेट है? कैसे आपको पता एसेट है? सर हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट वसूल किया हुआ है कि पे किया हुआ है? वसूल किया हुआ है, तो अगर वसूल किया हुआ है तो वसूल किया जाना एसेट होगा कि लायबिलिटी होगा? ये लायबिलिटी होगा। तो इसका मतलब है ओपनिंग कितना है और क्लोजिंग? ले जी, तो पहला काम हमारा मुकम्मल हुआ भाई।
जिसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, जिसके अंदर हमने नहीं बोलेंगे लेजर बना लिए। ले जी, जब आप ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लेजर बना लें तो फिर आपने ऊपर आना रिसीट एंड पेमेंट पे। रिसीट एंड पेमेंट का जो ओपनिंग बैलेंस है इसका क्या करना है, ये जो 1320, 2100 और 60 है इसका क्या करना है, बोले कुछ नहीं करना। कैश का लेजर मैंने आपको कहा था बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी गिवन है। आपको पता है कि हर चीज की डबल एंट्री तो हो रही होती है, जो चीज डेबिट होगी वो फिर क्रेडिट भी होगी। अच्छा, अब जो कैश आया और जो कैश गया, मेरे पास साल के आखिर का क्लोजिंग बैलेंस उसने दे दिया 6400, 4600 और 30, ऐसे ही है। मैं इसी का ही इस्तेमाल जो है वो किसी तरीके से कर लूंगा, ठीक होगी बात। तो मुझे कैश का लेजर बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं, अच्छा ओपनिंग की तो कोई एंट्री नहीं होती, लेकिन अगर मैं नीचे आऊं लेफ्ट साइड पे जो 13690 लिखा हुआ है, सर क्या ये वो सब्सक्रिप्शन के पैसे हैं जो कि मुझे रिसीव हुए होंगे? क्या ये 13690 मेरी सब्सक्रिप्शन की इनकम बनती है कि नहीं बनती? नहीं बनती मेरे दोस्त, ये तो कैश मिला है, कैश का मिलना इनकम नहीं होता। कैश का मिलना इनकम नहीं होता ना सर, कैश का मिलना इनकम थोड़ी होता है। एक्रूवल प्री पेमेंट की तो धज्जियां उड़ा दी आपने मेरे भाई, एक्रूवल प्री पेमेंट की धज्जियां उड़ा दी आपने कि कैश का मिलना इनकम नहीं होता, और आपको ये सब्सक्रिप्शन का लेजर बता भी रहा है कि जब आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग पड़ा हुआ है तो जो कैश कैश एंड बैंक के अंदर अमाउंट आ रही है सर, वो इनकम स्टेटमेंट में तो नहीं आ रही होगी सर। कैश फ्लो का ऑपोजिट सिनेरियो है, ये ऑपोजिट सिनेरियो है। वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस से एक्सपेंस या इनकम आती थी और बैलेंसिंग में कैश आता था। यहां पे कैश आ गया कि भाई 13690 कैश आया है, तो बताओ इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा एक्रूवल बेसिस पे। बात समझ आई? तो सर मुझे बताइए कि जब ये कैश 13690 मेरे पास आया होगा तो क्या मैंने एंट्री की होगी कैश डेबिट और सब्सक्रिप्शन क्रेडिट? तो इसका मतलब है इनकम के लिए कैश हमेशा क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है, एक्रूवल एंड प्रीपेमेंट्स में आपने ये बात पढ़ ली हुई है, ठीक है जी, ओके है। चलिए जी, इसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, अब बैलेंस उनको बाद में करेंगे कि साथ ही कर लें के बाद एंड पे करते हैं, फिर एंड पे करते हैं छोड़े। उसके बाद हमारे पास है जी बॉटल सेल्स 24,850, ये हमारे पास पैसे आए। सर क्या आपके पास कोई डेटर का अकाउंट बना हुआ है? क्या डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग है? बोले बॉटल सेल्स, आप कहते हैं सर ये तो कैश आया, ये मेरी कौन सी सेल है? कैश का आना सेल थोड़ी होता है, सेल तो एक्रूवल होता है। चले मैं आपके कहने पर आता हूं डेटर का लेजर बनाता हूं। क्या सवाल में कोई ब्रॉड डाउन है? क्या सवाल में कोई कैरी डाउन है? जो सेल्स होती है डेटर की वो कहां पर आती है? इस तरफ। तो कैश इस तरफ आएगा। कितना कैश है मेरे भाई? 24,850। इस लेजर को अगर बैलेंस करेंगे तो सेल्स इस तरफ आएंगी 24,850। तो जितना कैश आया सेल भी उतनी निकल आई। क्या कोई फायदा हुआ इस लेजर बनाने का? तभी आपको रूल लिखवा दिया था कि जिनका ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं है ना, लेजर बना के वक्त जाया मत कीजिएगा, क्योंकि उनका जो कैश होगा ना वही सेल होगी, या जो कैश होगा वही एक्सपेंस होगा। इसलिए ओपनिंग क्लोजिंग जिसका नहीं है ना इग्नोर करें, वही कैश एक्सपेंस है, वही एक्सपेंस कैश है, वट एवर द केसेस, ठीक होगी बात। इसलिए मैंने आपको वो रूल लिखवा दिया था। तो इसका मतलब है हमें ये काम करने की जरूरत नहीं है। जब ओपनिंग क्लोजिंग डेटर का मुझे कहीं नजर आया ही नहीं है तो इसका मतलब है 24,850 जो कैश मिला है असल में मेरी सेल भी यही है। तो सर ये तो सेल है, ये मेरी इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगी, ये तो ट्रेडिंग में आनी चाहिए, क्या ख्याल है आपका? बॉटल सेल है ना, मैं बॉटल का काम कर रहा हूँ, चूंकि बॉटल का स्टॉक है, बॉटल के क्रेडिटर्स हैं, तो बॉटल बेच रहा हूँ ना मैं। तो इसका मतलब है क्या हुआ 24,850, यहाँ पे मैं सेल्स में लिखूंगा 24,850। और सर मैं इसको ना इनर कॉलम में लिख रहा हूँ, अभी हो सकता है कोई एडजस्टमेंट आ जाए, और वैसे भी मैंने सवाल पढ़ लिया, मुझे पता है आखिरी एडजस्टमेंट जो 480 की है वो इसी से रिलेट करती है, तो फाइनल अमाउंट फिर मैं आउटर कॉलम में लिखूंगा, ओके। उसके बाद है जी अदर सेल फ्रॉम द डिवाइसेस, ये क्या चीज है? कोई और चीजें बेची होंगी छोटी मोटी क्लब ने, उससे कोई पैसे आ गए? सर ये ट्रेडिंग में नहीं आएगी, क्योंकि ट्रेडिंग एक्टिविटी सवाल में ना आपको नजर आ जाएगी, स्टॉक से हम बॉटल्स बेच रहे हैं,
हम बॉटल बेच रहे हैं, हमारी एक्टिविटी वो है, इसके अलावा जितने भी पैसे आ रहे हैं ना वो सारे इनकम एक्सपेंडिचर में जाएंगे। तो ये जो अदर सेल्स फ्रॉम डिवाइसेज है कितने की, 4570 की, ये हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगी। इसका भी ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है तो कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। अदर सेल फ्रॉम डिवाइसेज कितने पैसे हैं, तो कैश और इनकम बराबर है क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है। उसके बाद है लेगेसी फ्रॉम फॉर्मर मेंबर। अच्छा, नाम पढ़ के ना आपने घबराना नहीं है कि ये क्या पता नहीं अजीब अजीब नाम है, छोड़े बस नाम जो भी लिखा हुआ है आपको, तो गर्ज इससे है ना कि भाई लेगेसी का लेजर नजर नहीं आ रहा, लेगेसी के पैसे आ रहे हैं तो बस इनकम है, फर्क कराओ। नामों पर चक्रों में ना पड़े, वो क्लब है बेसिकली, तो अजीब अजीब नाम यहाँ पे चल रहे होते हैं। तो लेगेसी फ्रॉम फॉर्मर मेंबर, पुराने मेंबर्स ने कोई पैसे वगैरह दिए होंगे पूरे 2000, तो चूंकि ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, कैश का आना ही इनकम के बराबर होगा, तो बस ठीक है इसको लिख दें एज इट इज 2000। लेगेसी टू थाउजेंड। उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी, बैंक डिपॉजिट इंटरेस्ट। हाँ जी, बैंक से जो पैसे आए इंटरेस्ट की अमाउंट, ये भी इनकम है, बस ठीक है। लेजर बना हुआ है कोई इंटरेस्ट का, बस छोड़ें दफा कर। कितनी अमाउंट है, 420। ले जी, इनकम साइड कंप्लीट हो गई। सर दो चीजें अभी रहती हैं यहाँ पे, एक सब्सक्रिप्शन से जो इनकम निकलनी है उसका बैलेंस रह जाएगा, और जो ट्रेडिंग एक्टिविटी मैं कर रहा हूँ ना, उस ट्रेडिंग एक्टिविटी से जो इनकम आ रही है वो भी यहाँ पर आ जाएगी। तो दो चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। एनीवेज, आगे चलिए क्रेडिट साइड देखते हैं। क्रेडिट साइड के अंदर लिखा हुआ है पेमेंट फॉर बॉटल परचेज 12,230। हाँ जी, ये कहाँ पर आना चाहिए सोच के बताइए। जो पेमेंट मैंने बॉटल परचेज के लिए की वो जी वर्किंग थ्री, वर्किंग थ्री, वर्किंग थ्री। सर बॉटल परचेज के लिए पेमेंट किया, सर ये मेरे क्रेडिटर कौन से हैं? नीचे लेजर देखें, इसका पूरा नाम है क्रेडिटर्स फॉर बॉटल परचेजेस। बॉटल परचेज के क्रेडिटर है मेरे भाई, तो ये इसका अगर लेजर बना हुआ है तो आप इसको डायरेक्ट एक्सपेंस तो नहीं कह सकते। या तो इसका ओपनिंग क्लोजिंग ना होता तो मैं आपकी बात मान लेता, मैं कह देता लेजर नहीं है तो फिर यही एक्सपेंस है, लेकिन सर जब लेजर बना हुआ है तो फिर मैं तो इसको लेजर में ऐड करूंगा ना। और आपको ये बात कैश फ्लो से पता होनी चाहिए कि अगर मेरे पास स्टॉक का लेजर है तो स्टॉक से एक अमाउंट निकलनी है डेबिट, जो कि जानी है क्रेडिट। वहां पर क्या होता था, स्टॉक का डेबिट बैलेंसिंग होता था कैश फ्लो में, वहां से हम क्रेडिटर का क्रेडिट जो है वो निकालते थे, और उसके बाद जो क्रेडिटर का डेबिट होता था वो कैश पेमेंट होती थी जो बैलेंसिंग निकलती थी। ऐसे ही है, यही होता था। अब देखें क्या होती है आपके साथ, अब जरा रिवर्स गियर लगने लगा है। वहां पे ये बैलेंसिंग होता था, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाती थी सवाल से, ये बैलेंसिंग निकलता था, इस बैलेंसिंग को आप पुट करते थे यहां पे, तो कैश बैलेंस की निकलता था। ऐसे ही है, अब यहां पे ये गिवन है, कितनी अमाउंट है, 12,230। क्या जो मैंने परचेजेस की होंगी वो बैलेंसिंग निकल आएगा? तो इसका मतलब है कि जो इन्वेंट्री मैंने खरीदी होगी वो बैलेंसिंग आ जाएगी। कितनी बनती है बताएं, 12050। इस 12050 की एंट्री क्या होती है, इन्वेंटरी डेबिट और क्रेडिटर क्रेडिट। तो आप यहां पे लिखेंगे इन्वेंटरी डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट, और यहां पे अब बैलेंसिंग क्या निकलेगा, क्या निकलेगा बैलेंसिंग, कॉस्ट ऑफ सेल। तो इसका मतलब है यहां पर पूरा ही रिवर्स गियर है, वहां पे कॉस्ट ऑफ सेल गिवन होती थी, ये बैलेंस निकाल के ये निकालते थे, और फिर ये एंड पे बैलेंसिंग आता था जो कैश फ्लो में जाता था। लेकिन अब कहानी कुछ और है, अब आपका ये कॉस्ट ऑफ सेल जो उधर जाना है ट्रेडिंग में वो बैलेंसिंग है। मैं तो कहता हूं लगे हाथों बैलेंसिंग कर ही दे, 11,830 कॉस्ट ऑफ सेल और यहां पर आप लिखेंगे लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स वर्किंग वन 11,830। ठीक है जी,
देन वी हैव रेंट्स एंड रेट्स. हाँ जी, एक्सपेंस है हमारा क्या? रेंट एंड रेट एक्सपेंस है हमारा, बोले. लेजर बना हुआ है सर रेंट एंड रेट्स का, देख रहे हैं आप. जब लेजर बना हुआ है तो एंट्री करें, डायरेक्ट क्यों करेंगे आप? तो इसका मतलब है रेंट एंड रेट्स किस तरफ, कैश एक्सपेंस में कैश इस तरफ आता है, किस तरफ आता है? डेबिट साइड पे आता है ना, इधर ही आता ना. 7880, ओके. यहां से भी एक्सपेंस निकल आएगा, इसको आने पे बैलेंस करते हैं. उसके बाद है जी पेमेंट टू एंटरटेनर्स 3360. सॉरी, क्या करना है इसका? लेजर बनाएंगे इसका, इसका ओपनिंग क्लोजिंग ही नहीं है, तो ये यही एक्सपेंस है हमारा, डायरेक्ट एक्सपेंस है, जो कैश पे किया वही एक्सपेंस है 3360. हाँ जी, जो ट्रेडिंग का एक्सपेंस है वो ट्रेडिंग में, जिसका ओपनिंग क्लोजिंग है वो लेजर में, बाकी सारे इधर. कितना है जी, कितना? 3360. ठीक है जी. Yes, sir. ओ भाई मोटर चल रही है ना? Yes, सही जा रहा है ना, सही सेट चल रहा है, बस ठीक है. तो यार शक्लें सही कर लिया करें. sir, जी, जिसका लेजर बना होगा वो कैश इधर आ जाएगा, जिसका नहीं बना होगा वो सीधा वहां फेंक देंगे बस. और अगर कोई ट्रेडिंग होगा वो इधर आ जाएगा बस. है क्या गया पीछे? कैश तो जब पड़ा हुआ है फिर प्रॉब्लम ही कोई नहीं है. मैं तो कहता हूँ खत्म करें कोर्स, खत्म. अच्छा अच्छा, नहीं सॉरी सर, अच्छा अल्लाह खैर करेगा, हो जाएंगे पास. देन वी हैव प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. लेजर बना हुआ है इसका? नहीं, तो डायरेक्ट एक्सपेंस. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कितनी वैल्यू है? 1720, 17, 17. जर्नल एक्सपेंसेस, जर्नल एक्सपेंसेस. हाँ जी, लेजर में के डायरेक्ट? अच्छा, ओहो, वो भाई कह रहे डायरेक्ट ही. बताए जी अमाउंट. 4-4. अच्छा, सबसे ज्यादा खर्चा भी सी गई है. बॉटल सेल्समैन वेजेस. हाँ जी, बॉटल सेलमैन वेजेस. जी क्या करना है इसका? बॉटल, बॉटल सही है, तो ट्रेडिंग नहीं है ये, ट्रेडिंग का खर्चा है ना बॉटल सेलमैन वेजेस, तो सर ये तो ट्रेडिंग में इधर आना चाहिए. कितनी अमाउंट है, कितनी अमाउंट है? 3300. ले जी, अब क्या रह गया हमारे पास? अब मेरे ख्याल में नीचे ओपनिंग क्लोजिंग आखिरी एडजस्टमेंट रह गई, एडजस्टमेंट नंबर बी. जी एडजस्टमेंट नंबर बी का क्या करना है मेरे भाई? एडजस्टमेंट नंबर बी में कहता है द बॉटल सेल्स ऑफ 480 ऑन द इवनिंग ऑफ 30th September 1993 have been retained in the salesman office and are not included in the above receipt and payment account. वो कहता है कि 480 रुपए की सेल ऐसी है जो कि हो चुकी है, लेकिन चूंकि इसके पैसे नहीं मिले हुए तो इसलिए रिसीट एंड पेमेंट में नहीं आई. तो सर ये उसने आपको एक हिंट दे दिया है कि हम तो इनकम एक्सपेंडिचर अक्रूअल बेस पे बना रहे होते हैं, तो चूंकि सेल हो गई हुई है तो इसलिए आपको अपनी सेल में तो इसको रिकॉर्ड कर देना चाहिए. तो आप इसको अपनी सेल में रिकॉर्ड करेंगे, और ये जो सेल आपने इनर कॉलम में लिखी है ना, यहाँ पे आप लिखेंगे 480, और सवाल का डाटा खत्म हो गया. आप सवाल को बस क्लोज करना है. मुझे बता दीजिए टोटल सेल्स कितनी बनती है? 25330. ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया जी? 13500. और ये माइनस करके बताइए जी नेट प्रॉफिट कितना आया? और ये 5200 इधर आ जाएगा. इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग एक्टिविटी. वर्किंग कौन सी है जी?
ए सॉरी वर्किंग नहीं है, ये ए है सर, ए पार्ट है ये। तो ये पार्ट कंप्लीट हो गया भाई आपका 5,200। जी भाई डेबिट डेटर रिसीवल, अभी बैलेंस शीट बनाऊंगा, शायद कहीं एसेट में नजर आ जाए, शायद हो सकता, माइट बी पॉसिबल, हो सकता है, अभी बना रहा हूं ना बैलेंस शीट। आपकी बात बिल्कुल, इन्होंने सवाल किया जी कि 480 अगर मैंने सेल में शामिल किया है तो क्या ये कहीं इसके डेबिट भी तो होना चाहिए ना, इनका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। अभी जब बैलेंस शीट बनाएंगे ना तो वहां पे देखेंगे कि इंशाल्लाह हमारे पास कोई ना कोई डेबिट जरूर आएगा। बल्कि एक काम करते हैं यार, ये भाई ने अगर बात कर ही दिया तो चले ठीक है। एसेट्स में आता है कैश एंड बैंक, कितना है कैश एंड बैंक का क्लोजिंग देखें। रिसीट एंड पेमेंट असल में कैश एंड बैंक अकाउंट है कि नहीं, बोले कितना है जी, खुदा का वास्ता है क्लोजिंग बताएं। कैश एंड बैंक का दो बैंक है, एक कैश है, किधर है 49010, वो 49010 डेबिट क्रेडिट का टोटल है। ओपनिंग में सारे डेबिट ऐड करें, सारे क्रेडिट लेस करें, शुरू हो जाए कैलकुलेटर पकड़ के। तो बना हुआ ना, तो क्यों कर रहे हैं टोटल, बना तो है क्यों कर रहे हैं टोटल यार, वो भाई कैलकुलेटर निकाल रहे हैं, वो भी लगे हुए हैं। कमाओ यार, ये देखो, ये जो लेजर होता है ना, लेजर ये देखो, ये इसको ना लेजर टी अकाउंट कहते हैं, लेजर कहते हैं ये, इसका ना एक ब्रॉड डाउन होता है, ये सारी अमाउंट्स ना इसमें ऐड हो रही होती हैं, ये सारी लेस होती हैं, तो लेस होने के बाद ना यहाँ पे एक अमाउंट आती है जो कि उसने सवाल में दी हुई है, ठीक है, ये 6,400, 4,600। तो किताब बनाने वाले पे इतना यकीन करें कि उसने ये सही टोटल और सही लेस करके सही निकाला होगा, उस पर इतना भरोसा रखें आप, दोबारा से करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है सर। तो इसका टोटल भी उसने, बल्कि उसने तो आपको पता, उसको पता था आपका क्या, आप किस तरह के हैं, उसने कहा कि यार मैं कैरेट डाउन का भी कैरेट डाउन का टोटल कर देता हूं 11,030। तो जब 11,030 गिवन है तो क्यों आप इतनी जद्दोजहद क्यों कर रहे हैं, ये मेहनत ये जहानत अपनी ना बचा के रखें, फरवरी में काम आएगी आपके, ठीक है, जो आपने तैयारी करनी है जहानत वहां के लिए बचा के रखें। कमाल हो गया यार, ले जी मेरे भाई, ये 11,030 क्लोजिंग है, ओके। तो लेजर तो हमने बनाना नहीं इसका क्योंकि डेबिट क्रेडिट मौजूद है। अच्छा, अब जो ये 480 की सेल हुई है ना, क्रेडिट सेल, तो डेबिट आपकी मर्जी है, कैश एंड बैंक में कर दें या आप डेबिट रिसीवेबल कर दें। इस एडजस्टमेंट को पढ़ने के ना दो तरीके हैं, एक तरीका ये है कि लिखने वाले से गलती हो गई कि कैश मिल गया हुआ था, उसने लिखा नहीं, सेल हो गई कैश आ गया लिखा नहीं, एक ये पॉइंट हो सकता है। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि ये पैसे अभी नहीं मिले, ये पैसे भी मिलने हैं, तो जो बंदा इसको कैश में जाके डेबिट कर देगा वो भी ठीक है, जो इसको अलहदा से रिसीवेबल बना के लिख देगा वो भी ठीक है, बोथ आर इक्वली गुड। ओके, तो हम इसकी एडजस्टमेंट जो है वो यहां पे करेंगे। ओके, लेजर्स क्लोज कर दें मुझे जल्दी से, लेजर्स क्लोज कर दें मुझे, नोट भी कर लें साथ और मुझे लेजर्स क्लोज करके दें आप जल्दी से। जे क्या हुआ, नहीं ये कर रहे हैं ना अभी, साथ साथ करें सर, पहला सवाल है तो जरा साथ कर लें, कल से फिर इंशाल्लाह देख लेंगे, अभी ये पहला सवाल है साथ कर लें, अभी मुझे लेजर्स क्लोज कर दीजिए, मुझे जल्दी कोई भी नहीं है दोस्त, क्योंकि मैंने कोई दूसरा सवाल नहीं कराना, मैंने इस क्लास में सिर्फ एक ही सवाल कराना। हाँ करें सर क्लोज, लिखें इकट्ठे क्लोज कराइएगा मुझे, क्लास का सर वो ग्रुप में ही मैसेज किया था। जी क्या चीज, सॉरी सेल अगर कर रहे हो,
हाँ बिल्कुल निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। सर खामोशी प्लीज, सर खामोशी प्लीज। वालेकुम अस्सलाम। सर प्लीज नोट करें जल्दी। नहीं कहाँ इन्वेंट्री का अकाउंट कहाँ पे पड़ा हुआ है? हाँ तो वो 11,830 आ गई है ना, जो चीज़ बेची है उसकी कॉस्ट आ गई ना 11,830, बैलेंस से निकाल ली। अल्लाह अकबर। जी अभी नहीं ठहरे, अभी ठहरे, अभी बस लेजर्स को क्लोज करें। मैंने सिर्फ लेजर्स को क्लोज करने को कहा और मैंने कुछ करने को नहीं कहा, सिर्फ आपने लेजर्स को बैलेंस करना है। ओके ये बताइए क्या आंसर आता है? 13480। और ये इनकम है भाई? सब्सक्रिप्शन इनकम। वर्किंग कौन सी है जी? 13480। गलत आया आंसर। लें जी बैरूनी साजिशें आ गई हैं क्लास में और साथ किसी और को भी लेके आई हैं आज। बैरूनी असरात है। क्रेडिटर्स हमने क्लोज कर दिया है जी, क्रेडिटर्स का जो इन्वेंटरी का बैलेंस है वो भी हमने देख लिया। रेंट रेट्स में बता दीजिए कितना? 7,750। ये क्या चीज़ है? व्हाट इज दिस? ये एक्सपेंस है। ओके बैरूनी साजिशें कह रही हैं कि ये एक्सपेंस है, तो हम गुलाम हैं भाई, हम कोई गुलाम है जो बैरूनी लोगों की बातें मानेंगे? ठीक है क्या करूँ भाई इनका? हाँ भी बैरूनी साजिशें क्या करें भाई, कह रहे हैं एक्सपेंस में लेके। सर हम खादिम आपके, हम गुलाम हैं। रेंट, वर्किंग, वर्किंग नंबर बताएं जी। 4। कितनी अमाउंट है? 7,950। सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑलरेडी बैलेंस्ड, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ले जी लेजर्स क्लोज हो गए मेरे ख्याल में, जो एक्सपेंसेस ले जाने थे वो चले गए, जो इनकम ले जानी थी वो चली गई। इनकम एक्सपेंडिचर का डाटा भी मुकम्मल है, बाकी सब डाटा भी मुकम्मल है। क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर को अब हम क्लोज कर सकते हैं? बिल्कुल क्लोज कर सकते हैं। इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस होते हैं कि ऐड होते हैं? minus. अच्छा शुक्र है पता ही आपको, वरना जिस तरह के आप लोग हैं ना। लें जी सरप्लस है या डेफिसिट है? माशाल्लाह माशाल्लाह बताइए जी। जाहिर बात है जब बैरूनी लोग क्लास में होंगे तो फिर जब फिर तो पैसा ही पैसा है। बताएं जी 8,150 सरप्लस आ गया भाई, 8,150 सरप्लस आ गया। अब जेनो में इंट्रो वाली चीज़ें ले आए, जेनो में इंट्रो वाली चीज़ें ले आए। सबसे पहले हमारे पास डिफरेंट लेजर्स हैं, यहाँ से हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के क्लोजिंग बैलेंसेस उठा के अपनी बैलेंस शीट में लिखेंगे। ओके सबसे पहले हमारे पास बॉटम स्टॉक है जी 1850 का। जी क्या करना है 1850 का? इज इट एन एसेट और एन लायबिलिटी? ये एसेट्स में लिख दूं क्या? ये कैरी डाउन एसेट्स में लिख दूं? बॉटल स्टॉक 1850, इसको भी टोटल कर ही दे मेरे ख्याल में। बताएं 11,300 480। नेक्स्ट लेजर पे आइए, सब्सक्रिप्शन। एक कैरी डाउन डेबिट साइड पे, एक क्रेडिट साइड पे। हाँ भी उम्र से ज्यादा बताओ, ये एसेट है लायबिलिटी है? यार अगर तू बोला ना तो फिर देखी, ये लायबिलिटी है एसेट है? सस्पेंस तो है ही नहीं, सब्सक्रिप्शन है।
सब्सक्रिप्शन अकाउंट लायबिलिटी या एसेट है? वजह ये एसेट क्यों है या लायबिलिटी क्यों है? वजह जी हाँ हम पे कर रहे हैं, हम पे कर रहे हैं, ये पेबल आ रहा है। तू लेट आया ना क्लास में, हाँ फिर कसूर नहीं है तेरा मेरे भाई। ये सब्सक्रिप्शन क्लब ने वसूल किया है, वसूल किया है। आप आई कैप के जूतों में है जो आपसे सब्सक्रिप्शन वसूल कर रहा है, तो अगर उसने एडवांस में वसूल कर ली तो क्या ये लायबिलिटी है? एडवांस में वसूल कर लिया ना, एडवांस में अगर वसूल कर लेगा तो अनअर्न्ड रेवेन्यू होगा, तो ये अनअर्न्ड रेवेन्यू है, लायबिलिटी है, तो क्या इसको लायबिलिटीज में होना चाहिए? कितनी अमाउंट है जी? 310। और जो एरियाज में अभी वसूल करनी है क्या वो रिसीवेबल है? यार खामोश हो जाए प्लीज। 620 या क्या लिखा है? मुझे अपनी राइटिंग समझ नहीं आ रही। 620। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास क्रेडिटर्स। हाँ जी क्रेडिटर्स किधर आएंगे? 1150। ओके तो यार हौसले से कहा करने ऐसे, पता नहीं जैसे आपको। ग्यारह सौ पचास रेंट्स एंड रेट्स 820 लाइबिलिटी, रेंट्स एंड रेट्स एक्रूड कितना जी? 820। जिसके अलावा सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये भी तो पेबल है भाई, 200। और कोई रह तो नहीं गया? और कोई रह तो नहीं गया भाई? और कोई रह तो नहीं गया? सब अच्छा है यहां तक? सारी एंट्रीज हो गई। अब आपको पता है कि इनकम एक्सपेंडिचर से जो इनकम होता है या सरप्लस होती है वो बैलेंस शीट में जाके कैपिटल में ऐड होती है इंट्रो में, याद है कि नहीं? Yes, sir. तो अगर ये सरप्लस वहां पे जाके नहीं पसंद आया सर मैं नहीं वो लाइब्रेरी समझ गए होंगे। तो इनकम ये जो प्रॉफिट आया है ये प्रॉफिट फंड में जाके ऐड होगा, बिल्कुल ऐड होगा। तो 8150 सरप्लस, और बोलिए तो सही। Yes, sir. अब एक प्रॉब्लम है, ओपनिंग फंड नहीं है, यानी अगर मैं इंट्रो की बात करूं, अकाउंटिंग फॉर प्रॉफिट की बात करूं, तो ओपनिंग कैपिटल के अंदर प्रॉफिट ऐड होता है तो क्लोजिंग आता है, ड्रॉइंग का कॉन्सेप्ट तो यहां पर नहीं होता, ये बात कल हो गई थी। तो ओपनिंग कैपिटल के अंदर सरप्लस ऐड होता है, वेयर इज द ओपनिंग कैपिटल? जीरो, पहला साल है क्लब का, पहला साल है, बता दे क्लब का पहला साल है। बैरूनी साहब से चुप रहना तुम। हां जी बैरूनी लोग मुदाखलत ना करें, बैरूनी मुदाखलत को उठा के बाहर फेंक दे, इनको कह दे एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा सॉरी, ओपनिंग किधर है? और छोड़ दफा कर इनको यार, बैठे रहते बता, ओपनिंग किधर है? ओपनिंग किधर है? ओपनिंग किधर है? ओपनिंग फंड किधर है? ये तो ओपनिंग कैश है, मैं तो ओपनिंग फंड की बात कर रहा हूं। तो पहला साल है ना, तो जीरो हो गया ओपनिंग फंड, जीरो हो गया, तो जीरो करके देखे मैच होती है बैलेंस शीट के? नहीं, बोले ओपनिंग फंड मेरे पास है ही नहीं सवाल के अंदर। समझ आ, ओ सवाल समझ आया कि नहीं? ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल जमा प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। सर ये तो सूल आपको पता ना, ये पता है क्या? नहीं, वो बोले yes, ये काम हमने कर लिया, ड्रॉइंग्स आपको पता है इधर होती नहीं है, वो वैसे जीरो हो गई। मुझे बताएं ये सवाल में किधर है ओपनिंग कैपिटल? ये पूछ रहा हूं, जो पिछले साल का क्लोजिंग था वो किधर है? नहीं, वो पिछले
आप कह रहे हैं कि यही होगा सर, क्या पिछले साल मेरे पास बस कैश ही होगा, वही फंड होगा? देखिए, एक इक्वेशन होती है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। एक काम करते हैं, हमें तो कैपिटल चाहिए ना, कैसे ही होगा। सर मैं बना रहा हूं 30 सितंबर 2013 की फाइनेंशियल्स, ओके, मुझे चाहिए, हो मैन 1992, मुझे चाहिए यकम अक्टूबर 1992 का फंड, ओपनिंग चाहिए ना, यकम अक्टूबर 1992 का फंड। सर अगर मुझे यहां पे जो एसेट्स थे वो मिल जाए और जो लायबिलिटीज थी वो मिल जाए, क्या मसला हल हो जाएगा? क्या मसला हल हो जाएगा? यहां तक सब मुत्तफिक हैं, अगर किसी को इसी में मसला है तो वो पूछ ले, सब अच्छा है, ओके। अब देखते हैं कि हमारे पास साल के शुरू में कौन कौन से एसेट्स थे। क्या मेरे पास ओपनिंग कैश मौजूद था 3480 का? और बोले तो इसका मतलब है कैश मेरे पास आ गया 3480 का, एक एसेट तो मेरे पास ये मौजूद था। इसके अलावा और देखिए, सवाल के अंदर उसने आपको ओपनिंग क्लोजिंग दिए हुए, और बोले यकम अक्टूबर 1992 बॉटल स्टॉक, सर ये एसेट था कि लायबिलिटी थी? ये एसेट था 1630, तो सर ये भी लिखें, ये आपके पास साल के शुरू में एसेट था स्टॉक्स। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद क्या है हमारे पास, सब्सक्रिप्शन इन एरिया 770, ये भी एसेट है कि रिसीव पेबल है? ये भी एसेट है, सब्सक्रिप्शन कितना है 700। नेक्स्ट बोले क्या है, सब्सक्रिप्शन एडवांस, सर ये तो लायबिलिटी है, ये तो लायबिलिटी के नीचे आनी चाहिए, कितनी है 250। नेक्स्ट बोलिए क्रेडिटर्स, ये भी लायबिलिटी है, कितने 1330। ओपनिंग बता रहे हैं आपने साल के शुरू वाले। नेक्स्ट बोलिए एक्रूड, ये भी लायबिलिटी है, कितनी अमाउंट 450। रेंट्स एंड रेट्स, नेक्स्ट बोलिए, ये भी पेबल है, पेबल है ना, ये देखें, किसी से अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने वसूल किया होगा तो आपके लिए तो लायबिलिटी होगी। और कंप्लीट हो गया ओपनिंग, तमाम एसेट्स और तमाम लायबिलिटीज कंप्लीट हो गई। कर दे मुझे एसेट्स का टोटल और कर दे मुझे लायबिलिटीज का टोटल, जो कि सबसे मुश्किल काम है, 5880 और ये 2530। नजर आ रहा है 250, 750, 1000 और ये 2330 और दो माइनस करें और वो आ गया जिसका सबको इंतजार था, ओपनिंग फंड। ओ सही है, ये काम आपको तकरीबन तकरीबन हर सवाल में करना पड़ेगा, तकरीबन तकरीबन, ओके। तो आप 3350 यहां पे लिखेंगे और इसको दर्जा दे दें वर्किंग का, अजीब सी वर्किंग है ये, वर्किंग 6 का दर्जा दे दें इसे, ओपनिंग फंड वर्किंग 6। ले जी, मुसल्ले पे बैठने का समय हो गया है, टोटल करें जी, 3350 जमा 8150, 11500 के अंदर ये चारों ऐड करें, इन तीनों को टोटल करें, इज्जत रहेगी कि नहीं? ओके, हो गया, गलत कर दिए? नहीं नहीं सर, ठीक है, ठीक है जी, सब अच्छा है, ओके। ले जी, बस इतनी सी बात थी, होमवर्क ले और चेहरे ले जाए अपने यहां से। सफा नंबर 910, सफा नंबर 210 पे सवाल नंबर 8 है, गोल्फ क्लब। कल मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।